नमस्कार स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फेरेंट इफेक्ट के बारे में फेरेंट इफेक्ट को चार्जिंग करंट इफेक्ट भी कहते हैं और फेरेंट इफेक्ट भी कह सकते हैं वी ऑल नो व्हाट इज फेरेंट इफेक्ट बट व्हाट इज फेरेंट इफेक्ट इन डिटेल वेयर फेरेंट इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व एंड वाई इट इज देयर एंड ऑल्सो मैथमेटिकली विजुअलाइजेशन ऑफ फेरेंट इफेक्ट दैट विल बी गोइंग टू बी डन इन टूडेस लेक्चर सो विद दिस लेट्स गेट दिस लेक्चर स्टार्टेड अगेन वट इज फेरेंटी इफेक्ट सो एज वी नो दैट वेन रिसीविंग एंड वोल्टेज दैट इज वी आर इज गोइंग टू ग्रेटर देन सेंडिंग एन वोल्टेज दिस इफेक्ट इज जनरली नोन एज द फेरेंटी इफेक्ट जब हमारा ट्रांसमिशन लाइन है उसका सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड वोल्टेज में से हमारा जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो हायर रहेगा किस से सेंडिंग एन वोल्टेज से सो ये वाली सिचुएशन कब रहेगी तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है उस वाले केस में हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो सेंडिंग एंड वोल्ट से ज्यादा रहेगा कब वो भी मैंने बताया था कि जब हमारी लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है वो लाइटली लोडेड है या फिर वो तो नो no लोड पे होगी या फिर वो ओपन सर्किटेड है ठीक है इस तीस केस में हम तीन केस में हम देख सकते हैं कि हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा रहेगा ठीक है तब हम कह सकते हैं कि फेरेंट इफेक्ट यहां पर दिखाई दे रही है सो so, सबको पता चल गया होगा कि वॉट इज फेरेंट इफेक्ट ऑल्सो वी नो वेर द फेरेंट इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व सो इट विल बी ऑब्जर्व इन केस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन वेन इट विल बी लाइटली लोडेड और नो लोडेड और ओपन सर्क्यूटेड और क्यों रहेगा ये क्वेश्चन आएगा कि भाई मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्यों दिखाई दे रहा है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्यों नहीं है क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमारा जो चार्जिंग करंट होता है वो है आईसी उसकी वैल्यू क्या होती है नेग्लेजिबल सो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का हम जब परफॉर्मेंस फाइंड करते हैं सब तब हम चार्जिंग करंट के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं जब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात आती है तो चार्जिंग करंट की इफेक्ट होती है वो कंसिडरेबल होती है इस वजह से हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते सो वाई फेरेंट इफेक्ट सो फेरेंट इफेक्ट विल बी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द चार्जिंग करंट तो चार्जिंग करंट की वजह से क्या होगा यहां पे चार्जिंग करंट की वजह से कैपेसिटी जो करंट है वो इंजेक्ट होगा ट्रांसमिशन लाइन पे उसकी वजह से हमारा जो रिसीविंग इन वोल्टेज है वो इंक्रीज होगा ठीक है उस वजह से मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंट इफेक्ट हमें देखने को मिलती है लेकिन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंट इफेक्ट देखने को मिलती नहीं है ठीक है लेट से मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो एक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का मैं केस कंसिडर करता हूं जिसमें कैपेसिटेंस के इफेक्ट को हमें कंसिडर करना होगा सो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम एंड कंडेंसर मेथड नॉमिनल टी मेथड और नॉमिनल पाई मेथड ये तीन तीन मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया था अभी लेट से मैं सॉरी एंड कंडेन्सर मेथड की बात करूं सो so, ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन लाइन लेट से इज माई सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस ये हो गया हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर ठीक है यहां पे हमारा सेंडिंग एंड करंट आई एस रिसीविंग एंड करंट आई आर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और एंड कंडेंसर मेथड की अगर मैं बात करूं तो हम क्या करते हैं हमारा जो शंट कैपेसिटेंस है वो रिसीविंग एंड साइड पे कॉन्सेंट्रेट है ऐसा हम एज्यूम करते हैं तो ये हो गया हमारा वाई ट्रांसमिशन लाइन का इंप्यूडेंस हो गया Z। लेट से इसके थ्रू जो करंट पास हो रहा है वह है हमारा चार्जिंग करंट IC। ठीक है इस ब्रांच के थ्रू जो करंट पास हो रहा है वह है IC। ठीक है अब इसके एबीसीडी पैरामीटर आपको पता हो गए इसको आ, मैंने ये पूरा आपको एबीसीडी पैरामीटर और इसका वेक्टर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो एक लेक्चर में बताया है अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसके लिंक में यहां पर दिखा रहा हूं सो आप आ, क्लिक करिए और वो लेक्चर पहले देख के आइए आपको पता चल जाएगा कि इसके एबीसीडी पैरामीटर हम कैसे निकाल सकते हैं मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं एबीसीडी पैरामीटर क्या हो गए वन प्लस वाई जेड वी एस को मैं लिख सकता हूं वी एस इज इक्वल टू वन प्लस वाई जेड वी आर प्लस बी थी z हमारी सो so, z इंटू आई आर आई एस इज इक्वल टू यहां पे था वाई इंटू वी आर प्लस वन आई आर ओके तो हमारा a पैरामीटर था वन प्लस वाई जेड बी पैरामीटर था z c था y और d था वन ठीक है अब जब हम फेरेंट इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तब हम एज्यूम करते हैं कि या तो हमारा लाइटली लोडेड कंडीशन है या तो हमारे पास नो no लोड है या तो फिर ओपन सर्क्यूटेड है लेट से इन दिस केस के हमारे पास है वो नो लोड कंडीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं इट मीन्स हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें लोड कनेक्टेड नहीं है सो लोड कनेक्टेड नहीं है इसका मतलब हमारा जो रिसीविंग एंड करंट है आई इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो क्योंकि यहां पर कुछ कनेक्टेड तो है नहीं So, उस में आई आर इज इक्वल टू जीरो कंसिडर करेंगे सो so, इस इक्वेशन में अगर आई आर इज इक्वल टू लेट इक्वेशन नंबर वन और ये इक्वेशन नंबर टू है सो फर्स्ट इक्वेशन में आई आर इज इक्वल टू अगर हम जीरो पुट करते हैं तो उस केस में क्या बनेगा वी एस का इक्वेशन में लिख सकता हूं वन प्लस वाई जेड इंटू वी आर और ये जीरो हो गया तो जीरो इंटू जेड क्या होगा जीरो तो हो गया वी एस इज इक्वल टू वन प्लस वाई जेड इंटू वी आर ठीक है यहां अगर मुझे वी आर की वैल्यू निकालनी हो सॉरी वी एस की वैल्यू निकालनी हो तो मैं लिख सकता हूं सॉरी वी आर की वैल्यू निकालनी हो तो मैं लिख सकता हूं वी एस वन प्लस वाई जेड ठीक है अब जनरली बात करूं वन प्लस वाई जेड वाई क्या होगा हमारा ट्रांसमिशन लाइन का ये शंट कैपेसिटेंस जेड की वैल्यू भी कुछ होगी और ट्रांसमिशन लाइन का इंपिडेंस जो होगा जनरली वन प्लस वाई जेड की कुछ वैल्यू मिलेगी उसको मुझे वन माइनस सॉरी वन प्लस वाई जेड करना पड़ेगा और उसको मैं बी एस से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी ठीक है अब ये वैल्यू जो है वाई इंटू जेड सो जनरली दिस वैल्यू इज लेस देन वन ओके जनरली ये वैल्यू y मल्टीप्लाई जेड की वैल्यू जो रहती है वो लेस देन वन होती है सो so, अगर मैं वन प्लस वाई जेड करूं सो so, मुझे वन माइनस समथिंग लेस देन वन करना होगा तो वो भी मुझे क्या मिलेगा लेस देन वन वैल्यू ही मिलेगी लेट्स से लेस देन वन है है सो so, तो मुझे पॉइंट फाइव ही मिलेगा ठीक है सो लेस देन वन में जब सब्स करता हूं यहाँ पे तो मुझे लेस देन वन वैल्यू ही मिलेगी यहाँ पे ठीक है सो वो वैल्यू मुझे अगर मैं यहाँ पर वी एस डिवाइडेड बाई पॉइंट फाइव करूंगा तो यहां पर मिलेगा टू टू मल्टीप्लाई बाय वी एस जनरली यहां पर वाई जेड की वैल्यू ये वन प्लस वाइवेड की वैल्यू पॉइंट फाइव नहीं होती ठीक है जनरली जब फेरेंट इफेक्ट की मैं बात करता हूं तो यहां पर अगर सेंडिंग एंड वोल्टेज है तो रिसीविंग एंड वोल्टेज इट विल बी ओनली ओके सो इट विल बी प्लस फाइव परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट इन रिसीविंग एंड वोल्टेज वो ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा लेकिन वी कैन कंसिडर दैट मच ऑफ इंक्रीमेंट इन रिसीविंग एंड वोल्टेज तो यहां पर भी मैं पॉइंट फाइव कंसिडर कर रहा हूं आप लोगों की समझ में आए इसके लिए ठीक है ये वन प्लस वाई जेड की वैल्यू इतनी कम नहीं होगी ठीक है सो वी एस डिवाइडेड बाई में कोई भी लेस देन वन करूंगा तो ये वैल्यू vr की वैल्यू मुझे vs से ज्यादा मिलेगी सो so, यहां पर आप देख सकते हैं कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जब वो नो no लोड पे है तब आपको रिसीविंग एंड वोल्टेज की वैल्यू सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा मिल रही है उसका मतलब क्या है यहां पे हम फेरेंटी इफेक्ट को देख सकते हैं ठीक है सो तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकली विजुअलाइजेशन ऑफ अ फेरेंटी इफेक्ट सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि फेरेंटी इफेक्ट क्या है फेरेंटी इफेक्ट कुछ नहीं है जब रिसीविंग एंड वोल्टेज हमारे सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा हो रहा है तो उसको हम फेरेंटी इफेक्ट बोलते हैं वो मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होगा क्योंकि हमारे पास चार्जिंग करंट की इफेक्ट मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ज्यादा रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जब मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन लाइटली लोडेड है नो no लोडेड है और ओपन सर्किटेड है उस केस में ही फेरेंट इफेक्ट दिखेगा जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन मीडियम हो और लॉन्ग हो वो भी हेवी लोडेड पे है और नॉर्मल लोड कंडीशन पे है तब फेरेंटी इफेक्ट हमें दिखाई देगी नहीं सो आई होप आपके ये तीनों क्वेश्चन वट इज फेरेंटी इफेक्ट वाई फेरेंटी इफेक्ट एंड वेर इट फरंट इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व एंड मैथमेटिकली विजुअलाइजेशन ऑफ फरंट इफेक्ट ये तीनों क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए होंगे इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपका जो भी डाउट हो मैं विद इन विद इन आवर्स आपका डाउट है वो सोल्व करने की ट्राइम करूंगा सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वील गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच